लोकसभा चुनाव परिणाम में मिली अप्रत्याशित जीत से उत्साहित बीजेपी ने आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और ये तैयारियां संगठनात्मक स्तर पर की जा रही है। सामने आया है कि जिन बूथों पर बीजेपी हारी है वहां पर एक बार फिर से संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारी है। 100 नए कार्यकर्ता उन बूथों पर तैयार किए जाएंगे ताकि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में एक बार फिर से जीत का दरवाजा खोला जा सके। 6 अगस्त से शुरू होने वाले बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है और खास तौर पर विस्तारकों को इस काम के लिए अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि एक बार फिर से पार्टी को संगठनात्मक मजबूती दी जा सके। कैमरामैन नरेश पारिक के साथ राकेश कुमार, न्यूज इंडिया, जयपुर। अब राजस्थान आवासन मंडल में भी रौनक लौटेगी। गहलोत सरकार ने राजस्थान आवासन मंडल के लैंड बैंक को बचाने के लिए जेडीए की तर्ज पर आवासन मंडल में भी प्रवर्तन विंग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल की हुई बोर्ड बैठक में प्रवर्तन विंग के प्रस्ताव के गठन को मंजूरी दी गई है। यह प्रस्ताव अब राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहीं राज्य सरकार से मंजूरी के बाद बोर्ड प्रवर्तन विंग का गठन करेगा। अब देखना यह है कि प्रवर्तन विंग के गठन के बाद आवासन मंडल भूमाफियाओं से किस तरह अपनी जमीन को बचा पाता है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नमो नारायण अवस्थी, न्यूज इंडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर में इन दिनों चोर गिरोह सक्रिय है जो लगातार एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। इस बार चोरों ने जयपुर के श्यामनगर इलाके में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पीड़ित जो परिवार है वो बाहर घूमने गया था, इस दौरान घर के अंदर चोर की एक गैंग आई। उन्होंने घर के अंदर करीब 5 लाख और लाखों रुपए की जो नकदी है वो चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल श्यामनगर थाना पुलिस पूरे गिरोह की तलाश कर रही है। देखने वाली बात ये भी पुलिस कब तक इस पूरे गिरोह का खुलासा कर पाती है। सहयोगी केदार शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। बाड़मेर जिले के जसोल में राम कथा के दौरान हुए हादसों को लेकर के सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज खुद वहाँ हादसे जो घटना स्थल पर वहाँ पहुँचे, साथ में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, रघु समाज जो चिकित्सा मंत्री है वो भी मौजूद रहे। तमाम स्थितियों का जो उन्होंने जो है जायजा लिया, उसके बाद में अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में जाने के बाद में उन्होंने जो है पूरी तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जो संभागीय आयुक्त है उनको भी वहाँ पर पूरी तरह से जाँच के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा भी की है जो मृतक है उनके परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये देने की जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। साथ ही इसी के लिए जो है इसको लेकर के जहाँ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर है जो यहाँ पर 2 मिनट का मौन रख करके कांग्रेस के नेताओं ने जो है मृतकों को जो है श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर मंत्री रमेश मीणा, मंत्री सुखराम बिश्नोई, गोपाल सिंह इडवा, मुमताज मसीह, रूपेश कांत व्यास समेत तमाम जो है कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को जो है श्रद्धांजलि दी है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। क्या देना मुझे यस? आज जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे। जसोल के अंदर हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री गहलोत आज सवेरे पालोत्रा पहुंचे। वहां से जो इस हादसे के अंदर जान गंवा चुके उन लोगों से मिले, उनके परिवार को सांत्वना दी, उसके बाद घायलों से मुलाकात की। उसके बाद जोधपुर पहुंचे गहलोत ने, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट लोगों से मुलाकात की, मरीजों से मुलाकात की। उसके बाद एम्स में मिले। गहलोत ने बताया इस तरह से दोहराया नहीं जाए, इस तरह के हादसे दोबारा नहीं हो, इसके लिए सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है और आगामी दिनों के अंदर इस तरह के हादसे नहीं हो इसलिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। गहलोत ने बताया कि जो इस हादसे के अंदर जान गंवा चुके उनके परिवार को सहायता के तौर पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, वहीं जो ज़्यादा घायल हैं उनको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे और जिनको नॉर्मल चोट आई है उनको 20,000 रुपये सहायता के रूप में दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जोधपुर के तमाम अधिकारी मौजूद थे और साथ साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि आगामी दिनों में जो भी सार्वजनिक कई कार्यक्रम होगा तो प्रशासन पहले से उसके बारे में जानकारी लेकर परमिशन है या नहीं है या किस तरह का आयोजन हो रहा है उन पूरी जानकारी के साथ ही परमिशन देगा, अन्यथा परमिशन देने से पहले कई सवाल खड़े करेगा। क्योंकि जिस तरह से आयोजनकर्ता जो होता है वो कई बार परमिशन नहीं लेता है और अनदेखी करता, जिस तरह से जसोल में हादसा देखने को मिला, आगामी दिनों में नहीं हो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ मनोज सिंह, न्यूज इंडिया, जोधपुर।
हनुमानगढ़ जिले का एकमात्र बड़ा जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में स्थित है, जहां आए दिन अव्यवस्थाओं का आलम रहता है, मरीज परेशान होते रहते हैं। यहां अगर बात करें, चाहे वो ब्लड की बात हो, चाहे वो किसी भी दवाई की बात हो, आए दिन यहां पे कमियां रहती हैं। मशीनें ख़राब पड़ी हैं, यहां पे जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं वो ख़राब पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो निःशुल्क जाँच, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, उसका किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है गरीब आदमी को यहाँ पर, जो कि सरकार ने सभी लोगों के लिए योजना शुरू कर रखी है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मशीनें ख़राब हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ अगर बात करें तो जिला अस्पताल में कि यहाँ पे आए दिन चोरियाँ हो रही हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, और इतना ही नहीं यहाँ पे जो स्टाफ है उनके साथ भी यहाँ पे छेड़छाड़ हो चुकी है। लेकिन यहाँ के जो PMO हैं, वो चाहे वो जिला प्रशासन हो, वो बिल्कुल नकारा साबित हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे किसी तरह की व्यवस्थाएँ नहीं बिठा रहा। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अब इस जिला अस्पताल को एक जो पुरस्कार दिया गया है, जिसमें जो ग्राहकों की संतुष्टि के लिए वो पुरस्कार दिया गया, जो इलाज मरीज आते हैं उनकी संतुष्टि के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। लेकिन बहुत चौंकाने वाली बात है कि यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम है, और ऐसे में ऐसा पुरस्कार देना बहुत ही जो विडंबना कहेंगे यहाँ पे जो विभाग की जो मुख्य विभाग है उनकी विडंबना कहेंगे कि यहाँ पे ऐसे अस्पताल को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि यहाँ पे आए दिन अव्यवस्थाएँ रहती हैं, मरीज परेशान रहते हैं, चोरियाँ हो रही हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पुरस्कार दिया गया है, कहीं ना कहीं इसमें जो कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती गई है, क्योंकि यहाँ पे जो मरीजों का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो उनका इलाज नहीं हो पाता सही से, और यहाँ पे जो प्रशासन है वो उनकी सुनवाई नहीं करता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो अस्पताल प्रशासन है इन व्यवस्थाओं को कब तक सुधार पाता है। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ विश्वास कुमार, न्यूज इंडिया, हनुमानगढ़। बाड़मेर जिले के जसोल में जिस तरह से कल रामकथा के दौरान एक हादसा हुआ था, उसमें 15 लोगों की जान चली गई, वहाँ पर रामकथा के दौरान पांडाल गिर गया था और करंट दौड़ने के कारण यह हादसा हुआ था, उसको लेकर पाली में भी एक भागवत कथा चल रही है लाखों के उद्यान के रंगमंच पर, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरा सतर्क हुआ है। पुलिस विभाग के डीवाई SP सहित सभी प्रमुख अधिकारी यहाँ आते हुए हैं, यहाँ तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आग घटना हो चुकी है तो सुरक्षा के साधन देखे गए हैं, अग्निशमन यहाँ रहती है या नहीं रहती उसको देखा गया, बिजली की व्यवस्था को देखी गई है। जिला प्रशासन ने यहाँ के जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं उनको सबको पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया है। यहाँ के जो मैनेजमेंट थे अशोक भंडारी, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने पूरा दावा किया कि यहाँ पर पूरा मजबूत पांडाल लगाया गया है, किसी भी तरह का कोई आंधी तूफान आता है तो किसी तरह के हादसे की अंदेशा नहीं है। उसके बावजूद भी अगर मौसम अनुकूल भी रहा तो उसी दिन कथा को भी विराम दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं वो प्रशासन भले ही सतर्क है लेकिन वो पुख्ता है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन दिनेश कुमार से बात करें। 65 दिनों की लड़ाई आखिर महिलाएं जीत गई, उनका संघर्ष काम आया। जी हाँ, ये घटना है कोटा के संतोषी नगर इलाके की। यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं जो एक शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेके पिछले 65 दिनों से धरने पे थी, इस तपती धूप में इनका संघर्ष कम नहीं हुआ, प्रशासन का दबाव रहा, लोगों का साथ नहीं मिला, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम ये रहा कि आज 65वें दिन वो शराब की दुकान आखिर यहाँ से खाली हुई, दूसरी जगह शिफ्ट हुई। ये कहानी सिर्फ संतोषी नगर के एक इलाके की नहीं, कुछ ही दूरी पर एक और शराब का ठेका हुआ करता था, वो पिछले 5 सालों से वहाँ की महिलाएं संघर्ष कर रही थी। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या थी मुख्य बाजार में शराब का ठेका होने से आती जाती महिलाओं के साथ छेड़खानी हुआ करती थी। प्रशासन से गुहार की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो महिलाओं ने निर्णय लिया, वहाँ पर धरने पे बैठी, लगातार धरने पे बैठी। उसका परिणाम ये रहा कि उस ठेके को प्रशासन को हटाना पड़ा, किंतु उसके ठीक पास में ऐसे बाजार में वो शराब का ठेका लगा जहाँ पर लगातार भीड़ रहती थी, महिलाएं बच्चियाँ अपने परिवार के साथ खरीदारी करने आती। इसको देख के यहाँ की महिलाओं ने भी संघर्ष करने की ठानी और प्रशासन को अवगत कराया, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में मजबूर होकर इनको धरने का सहारा लेना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा, प्रशासन ने हर तरह से इनके धरने को विफल करने की कोशिश की, किंतु इनकी इच्छा शक्ति के आगे, महिला शक्ति के आगे आखिर प्रशासन को झुकना पड़ा। उसका परिणाम ये रहा कि आज 65वें दिन शराब का ठेका यहाँ से बंद हुआ, महिला शक्ति की जीत हुई।
सहयोगी हेमंत के साथ संजय दत्ता, न्यूज इंडिया, कोटा। दुश्मनी ने सुनाना होवेगा जो हमें दोस्ती ने दिखलाया। दरअसल ये लाइनें अखिलेश यादव पर शायद आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती व अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि ये दोनों नेता एक लंबे समय तक राजनीतिक पारी खेलेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते ही जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन लाइनों को जरूर याद कर रहे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ योगेश पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। पूर्वांचल में आमद दर्ज करा चुका मानसून 48 घंटे के भीतर अब उत्तर प्रदेश के निवासियों को राहत की सांस देने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है कि अब रिमझिम बुहारे नहीं बल्कि जोरदार बारिश उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी। जी हां, पूर्वांचल में लगभग मानसून आ चुका है, जिसके बाद अब 48 घंटे के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी भारी बारिश से राहत मिलेगी। चिलचिलाती धूप में जहां पारा 46 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है, वहीं अब इस बारिश से, मानसून की पहली बारिश से लोगों को राहत मिलने का अवसर प्राप्त होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ गौरव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार वादे कर रहे हैं, लेकिन ताज़ा मामला कानपुर देहात की रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के तहल गांव का है, जहाँ शादी समारोह से लौटते वक्त एक मासूम 15 साल की बेटी का कुछ दबंगों ने तमंचे के बट पर अपहरण कर लिया। बात इतनी ही नहीं, जब अपहरण कर रहे लोगों को उसके माता पिता ने रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने तमंचे के बट से उनको पहले पीटा और उसके बाद उस लड़की को बोलेरो में डालकर फरार हो गए। 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। परिजनों की निशानदेही बताने के बाद भी जनपद की पुलिस बच्ची का पता लगाने में विफल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन परिजनों को कब उनकी बेटी मिलेगी और ऐसे आरोपियों पर कब जनपद की पुलिस लगाम लगा पाएगी। कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी, न्यूज इंडिया। देवरिया जनपद में फरियादियों की भीड़ लगातार थानों से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लग रही है। यहाँ पर फरियादी अपनी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन समय से अधिकारी नहीं मिलते हैं। जैसा आज सोमवार था, बरसात के बाद पहले दिन आज लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन पुलिस अधीक्षक यहाँ पर लगभग 1-2 घंटे बैठे और चले गए, जिससे जनता उदास होकर गई और अपर पुलिस अधीक्षक कुछ मामलों को निपटाते रहे। अभी तक यहाँ जनता के हर मुसीबत को निपटारे के लिए लगातार योगी जी का आदेश है कि किसी तरह जनता को पूरी तरह से यह सुविधा दी जाए, लेकिन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पूरी तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिस अधीक्षक काफ़ी समय नहीं बैठे, जिससे जनता उदास हुई, उनसे मिलने के लिए आई थी और उस समय से निकल गए। ऐसे में कैसे जनता को मिलेगा? फरियादी सवाल उठ रहा है और जनता उम्मीद के साथ नज़रों से देख रही है कि आखिर कौन दिलाएगा न्याय। बरसात के बाद तमाम मुद्दे उभरे, जैसे कि पानी का, खेत का, आपस में विवाद का, जो आज मामले सैकड़ों मामले आए और उसका निपटारा नहीं हो सका। अब लोग फिर उम्मीद लगा के अगले दिन आएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि थानों पर सुनवाई कम होती है, जिसके चलते देवरिया जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भीड़ उमड़ती है, जैसा कि सभी अधिकारियों को भी पता है, लेकिन निस्तारण नहीं होने के चलते भीड़ में कमी नहीं आ रही है। देवरिया से विशाल मिश्रा, न्यूज इंडिया। 76 जिलों में महाराजगंज जिला का भी नाम आता है। यूँ तो महाराजगंज जिला अलग अलग टॉपिकों पे, अलग अलग मुद्दों पे चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस समय जनपद की सबसे खास और अहम और गरमाया मुद्दा है भारत और नेपाल का। भारत और नेपाल का तो रोटी और बेटी का रिश्ता होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले जो नेपाल बॉर्डर के किनारे बसे हुए हैं, इस समय भारत से आने वाली फलों और सब्जियों को लेकर नेपाल सरकार ने एक नया बखेड़ा चालू कर दिया है। नेपाल का आरोप है कि भारत से जो फल और सब्जियों का उत्पादन होता है उन्हें दवाओं और इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है, जिसे खाकर नेपाल के बच्चे और बूढ़े जवान बीमार पड़ जा रहे हैं। मुरादाबाद के बीच जहां कटघर थाना क्षेत्र है, जहां पर कि जो कटघर का पुल है, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज ने CNG कार में टक्कर मार दी, जिसके चलते 3 लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई
और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस जिलाधिकारी और पुलिस सीओ पहुंचे हैं, जहां तक कि मृतकों को पीएम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमरा पर्सन भूरी सिंह यादव जी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, न्यूज इंडिया, मुरादाबाद। टाबाक क्षेत्र के उपखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 शिक्षकों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की है, जो काफी हद तक कारगर साबित हो रही है, जिसका स्थानीय लोगों ने और अभिभावकों ने जमकर तारीफ की है। अमित चंद का कहना है कि ये मुहिम आगे भी यूं ही चलती रहेगी, जिससे कोटाबाग क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। अपने साथी रवि कांडपाल के साथ कैलाश सुयाल, न्यूज इंडिया, कोटाबाग। सरकारी भूमि पर हुआ अवैध निर्माण पर पालिका प्रशासन सख्त। फिलहाल पुलिस के जरिए अवैध निर्माण को बंद कर दिया गया। अब देखना होगा प्रशासन इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए कब तक कामयाब होता है। जसपुर से न्यूज इंडिया के लिए अंकुर जैन। लगातार सुबह से बारिश होती दिख रही है, जिस तरह से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान रोज बढ़ता दिख रहा था, कहीं ना कहीं लोगों को इस बारिश से राहत देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। जो सड़कें थी, गड्ढे थे, उनमें लबालब पूरी तरह पानी भर चुका है। कहीं ना कहीं लोगों को इस बार राहत की सांस मिल रही है। जिस तरह से लोग दोपहर के समय अपने घरों के अंदर थे, आज पूरी तरह लोग रोड पर और जो है दुकानदारों पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राहत की सांस है। यहाँ लगातार जो है किसानों को भी राहत होती दिख रही है। जिस तरह से धान की खेती भी पूरी तरह तैयार थी, लेकिन जहाँ पानी की जाने की सुविधा नहीं है, बारिश ने, भगवान ने उनकी कहीं ना कहीं सुन ली है और खेतों में किस तरह से पानी पहुंच गया है और किसान भी कहीं ना कहीं अपनी धान की खेती को लेकर उसे। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस बारिश का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। फिलहाल भी रिमझिम बारिश होती दिख रही है और आने वाले समय तक इस टाइम तक मौसम विभाग की जानकारी रहेगी लगातार कब तक ये बारिश बरसती रहेगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसमें एक छोटी सी बारिश में एक बड़ा माहौल ये बन गया है कि कहीं ना कहीं छोटी सी रिमझिम बारिश ने सरकार की भी पोल फोड़ दिया। जिस तरह से सरकार हमेशा से गड्ढा मुक्त सड़कों की उत्तराखंड में बात करती थी, लेकिन यह है लक्सर और रुड़की रोड है, जहाँ पर फिलहाल कुछ गड्ढे लगातार पड़े हैं, जहाँ रोज यातायात व्यवस्था बिगड़ती दिखती है और छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी होती हैं। छोटी सी बारिश में पूरी तरह गड्ढे पूरी तरह बारिश से भर गए। अब देखने वाली बात यह होगी है बारिश कब तक लोगों को रात की सांस देती है। सुशील कुमार झा, न्यूज इंडिया। यहाँ एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार एलोपैथी चिकित्सा को लेकर बहुत बढ़ावा दे रही है। वहीं बात की जाए आयुर्वेदिक और यूनानी की, तो आयुर्वेदिक और यूनानी को लेकर ये एक सक्रिय संस्था नीमा, जो कि पूरे उत्तराखंड में सक्रिय हो चुकी है। बात की जाए रुड़की की, तो रुड़की में आज एक निजी होटल में नीमा के सभी सदस्यों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आयुर्वेदिक और यूनानी के पूरे जिला हरिद्वार के सभी डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया। जिसमें भाग लेने के बाद जो बात की जाए रुड़की की, तो रुड़की के 3 वरिष्ठ चिकित्सक जिन्होंने आयुर्वेदिक में अपना पूरा जीवन सर्वस्व दे दिया है और आयुर्वेदिक में नाम भी कमाया है, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा पहुंचे और प्रदीप बत्रा द्वारा सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। बात की जाए नीमा के महासचिव रजा अहमद डॉक्टर के कहना है कि कहीं ना कहीं जहाँ क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में सरकार एलोपैथी चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनकी अनदेखी हो रही है। सरकार को आयुर्वेदिक डॉक्टरों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी जिस तरह एलोपैथिक पर ध्यान दिया जा रहा है, आयुर्वेदिक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रिंस शर्मा, न्यूज इंडिया, रुड़की। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अपना कामकाज पूरी तरह से जो है शुरू कर चुकी है। हमारे साथ मंत्री है रमेश मीणा, इनसे हम बात करेंगे। लोकसभा चुनाव से निपट गए, पहले विधानसभा चुनाव से आप सत्ता में आए, उसके बाद में कुछ आचार संहिता लगे, कामकाज नहीं हो पाए, अब पूरी तरह से आप फ्री है, किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं जनता के? जो आपने बताया, पहले तो भाई जैसे हम विधानसभा में आए, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, सरकार बनी और उसके बाद कम समय मिला आचार संहिता लगती। अब पूरी तरह से हम बिल्कुल तत्पर तैयार हैं, जो लोगों से हमने वायदे किए हैं धरातल पे वो हम बात नहीं होगी, अब हम काम करेंगे। आप खाद्य मंत्री, आप खाद्य विभाग आपके पास है, सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए भी कुछ योजना लागू की है? अभी हमने बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना के लोगों को जो मैनिफेस्टो में घोषणा की थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर घोषणा की कि 1 रुपये किलो लोगों को गेहूँ दिया जाएगा, तो वो हम धरातल पे दे रहे हैं। पोर्टेबिलिटी की बात है, तो बीच में आचार संहिता के कारण कुछ अधिकारियों की वजह से
उस काम में दिक्कत आई। हमने जैसे ही अभी इस सिस्टम को संभाला है लोकसभा के चुनाव के बाद, दोबारा पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी। दूसरा हमारा मैनिफेस्टो में जो है कि अब हम आने वाले समय में नए राशन कार्ड बनाएंगे, और कुछ लोग राजस्थान में ऐसे हैं जो पात्रता रखते हैं वास्तव में, उनका नाम इस NFSA में नहीं जुड़ पाया है, तो हम जब राशन कार्ड बनाएंगे तो उस समय बिल्कुल डोर टू डोर और जो घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रति व्यक्ति को आधार कार्ड से वेरीफाई करेंगे, पात्र व्यक्ति उनको जोड़ा जाएगा, अपात्र उनको बाहर किया जाएगा। और जो हमने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है 69% से 100% करेंगे तो वो भी करेंगे। अभी भी हम 4.46 करोड़ लोगों को जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है कि इतने लोगों को दिया जाएगा, उसके बावजूद भी हम 4.73 करोड़ लोगों को आज भी खाद्य सामग्री से दे रहे हैं। तो लगभग 28 लोगों को आज भी हमने दिया है। जैसे ही हमारी सरकार आई है तो हमने लोगों को खाद्य सामग्री योजना से जोड़ा है, और लोगों का जो पात्रता रखते हैं उनको जोड़ा गया है, उनको आज खाद्य सामग्री मिल रही है। 1 रुपये किलो जो आपने गेहूँ दिया, इससे कितनी जनता आपकी तरफ आकर्षित हो रही है? हमने करीब 1.73 करोड़ लोगों को जोड़ा है। अब तो हमारा पूरा प्रयास है कि इस राजस्थान में 2-3 श्रेणियों को छोड़कर समस्त लोगों को हम देना चाहते हैं जो पात्रता रखता है। जैसे भी किसी घर में परिवार में सरकारी नौकरी है, या फिर इनकम टैक्स पेयर है बड़ा, या फिर उसके बहुत बड़ा मकान है, तो ऐसे लोगों को निकाल कर 2-3 श्रेणी बाकी लोगों को हम सभी को देंगे। कई बार जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता वहाँ पर जो पंच किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, और उसकी जो कई बार प्रॉब्लम आती है और कई वंचित रह जाते हैं, उनसे लेके कुछ नया कुछ ब्रॉडबैंड वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था की गई क्या? जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हम चिन्हित करवा रहे हैं, करीब 100 से ऊपर की संख्या हमने चिन्हित की है, जहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करता वहाँ पर ऑफलाइन हम रजिस्टर संधारित करा रहे हैं, उनको समय पे आज भी गेहूँ दे रहे हैं। जहाँ पर यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, हमारी पॉस मशीन काम नहीं कर रही, तो वहाँ पर हम ऑफलाइन के माध्यम से भी खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ रमेश मीणा खाद्य मंत्री, इनका यही कहना है कि जनता को हर सरकार की जो भी योजना उनसे जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो अनाज जो दिया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।